एनडीपीएस एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूँ, 5 जुलाई 2024 का हाई कोर्ट का जजमेंट है। शेयर करने की वजह है, आरोपी के पास से 30 किलो गांजा जब्त होता है और आरोपी को सेशन कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाता है, जिसे कि हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। अब साथियों, इस केस में जो तथ्य मौजूद हैं जिनके आधार पर आरोपी को बरी किया गया, अधिकतर मामलों में होते हैं, लेकिन कई बार हम उन पॉइंट्स को कोर्ट को बता नहीं पाते हैं, इसलिए सजा सुना दी जाती है। अब साथियों, आप इस मामले को समझिएगा, मैं आपको ब्रीफ में ही शॉर्ट में बताऊंगा कि कहानी क्या है और किस आधार पर आरोपी को बरी किया हाई कोर्ट ने और किस आधार पर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई आरोपी को। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब इस मामले में पुलिस को सूचना मिलती है कि 30 किलो गांजा लेकर के कुछ लोग घूम रहे हैं, पुलिस मौके पर जाती है, जब्त करती है, पंचनामा बनाती है, वहीं पर सैंपल लेती है, एफएसएल के लिए भेजती है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाती है, एफएसएल रिपोर्ट में ये आता है कि भाई गांजा है ये, उसके बाद मामले में गवाही होती है, जो दो गवाह हैं वो पलट जाते हैं, आरोपी के पक्ष में गवाही देते हैं, बाकी के जो पुलिस के गवाह हैं वो पुलिस के पक्ष में ही गवाही देते हैं। मामले में सुनवाई होती है, उसके बाद आरोपी को सजा सुना दी जाती है। सजा सुनाने की वजह यह है, पहली वजह थी कि इस मामले में जो एफएसएल रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि गांजा ही है, गांजा ही जब्त हुआ है। दूसरा पॉइंट था कि इस मामले में 7 गवाह थे पुलिस के, जिन्होंने कहानी का हूबहू समर्थन किया है, जैसा कि चार्जशीट में लिखा था वैसा ही उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दिया है, इसलिए आरोपी को सजा सुनाई जाती है। मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने देखा कि भाई क्या कहानी है, मामले में आरोपी को सजा क्यों सुनाई गई है, और जब आरोपी था, जो आरोपी का जो पक्ष सुना गया, तो आरोपी का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया। अब समझिएगा, इस मामले में बरी करने की जो वजह थी वो ये थी कि इस मामले में सबसे पहली बात ये कि जो सैंपल लिया गया वो गैजेटेड ऑफिसर के समक्ष लिया गया। कई बार ये गलतफहमी होती है लोगों को, पुलिस वालों को, इवन कोर्ट को भी कहना चाहिए कि कोर्ट के द्वारा भी इस गलती को स्वीकार नहीं किया गया, सेशन कोर्ट के द्वारा, कि जो गैजेटेड ऑफिसर होता है उसके सामने भले ही आपने सैंपल ले लिया है लेकिन वो माना नहीं जाएगा, 52A के सबसेक्शन 234 का नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। अब इस मामले में साथियों, जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 52 सबसेक्शन ए सबसेक्शन 234 का नॉन कंप्लायंस। ये क्या कहता है, ये बात करता है सीजिंग के बारे में, जब्ती के बारे में, प्रिपेयरिंग ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, ड्रॉल ऑफ सैंपलिंग के बारे में, इन्वेंट्री गेटिंग सर्टिफाइड बाई मजिस्ट्रेट के बारे में, मतलब कि जो सैंपलिंग हुआ है, जो जब्ती हुई है, उसको जो इन्वेंट्री तैयार की गई है, उसको जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, इन सारे प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। ये वजह थी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में केवल सोल ग्राउंड यही था। देखिए, भले ही जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, भले ही ढेर सारे सबूत आपके खिलाफ इकट्ठा कर ले, भले ही सभी लोग गवाही आपके खिलाफ दे दें, लेकिन अगर 2-3 कमियां भी आपको मिल गई हैं एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत जो बताई गई हैं, तो केवल 1-2 कमियों के आधार पर ही आरोपी को की जो सजा है उसको रद्द कर दिया जाता है, आरोपी को बरी कर दिया जाता है, जैसा कि इस मामले में हो। इसमें केवल जो कमियां थी वो ये थी कि गैजेटेड ऑफिसर के सामने सैंपल लिया गया, ये गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि उस सैंपल को वहीं से, जहां पे जब्ती होती है वहीं से भेज दिया गया उसको एफएसएल, जहां पे ये जो लेबोरेटरी होती है वहां पे, तो कोर्ट ने माना कि ये यहां पे पुलिस ने गलती किया है। पुलिस को जैसा कि 52A के सबसेक्शन 234 में जो सीजिंग की, जो प्रिपेयरिंग ऑफ इन्वेंट्री की, जो ड्रॉल ऑफ सैंपलिंग की, जो गेटिंग सर्टिफाइड बाय मजिस्ट्रेट की जो प्रोसीजर बताई गई, उसका पालन नहीं किया गया है। तो इस आधार पे, केवल यही ग्राउंड था, इस आधार पे हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अब साथियों, मुझे उम्मीद है कि अगर आपका भी मामला कुछ ऐसा है तो ये कमियां आप जरूर देखेंगे। अगर आपकी के मामले में ऐसी कमियां हैं तो इन तथ्यों को कोर्ट में जरूर बताएं कि यहां पे इन सेक्शंस का वायलेशन हुआ है, और 1-2 सेक्शन जिसका भी आपको वायलेशन समझ में आए उसके आधार पर जो जजमेंट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनको कोर्ट में प्रस्तुत करिए कि देखिए केवल इस सेक्शंस के नॉन वायलेशन के आधार पे, पालन न करने के आधार पे इस अदालत ने, इस हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, इसलिए आरोपी को भी बरी कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।